आइए जानते हैं वो कौन कौन से देश हैं जो फ्री वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सर्विसेज इंटरनेशनल्स को दे रहे हैं। नंबर 20, तंजानिया। तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है और इन्होंने इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज़ दी है, यानी आप सीधा वहाँ पर जा सकते हैं और वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। अफ्रीका में लोकेटेड ये कंट्री टूरिज़्म के लिहाज से काफ़ी पॉपुलर हो रही है इंडिया में, लेकिन अभी बाकी कंट्रीज़ को देखा जाए तो इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ने की काफ़ी उम्मीदें हैं। नंबर 19, माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया एक आपके लिए काफ़ी नया नेम हो सकता है, काफ़ी ट्रैवलर्स के लिए ये नया नेम हो सकता है, लेकिन माइक्रोनेशिया यकीन मानिए बहुत ही सुंदर जगह है। 607 आइलैंड का समूह है वो, छोटे छोटे 607 आइलैंड्स हैं जिनको बना के एक कंट्री को बनाया गया है। पैसिफिक ओशन में है और काफ़ी वाइब्रेंट हैं ये आइलैंड्स जो हैं, थोड़े थोड़े दूर दूर हैं। जैसे मालदीव्स की हम बात करते हैं, हमारे आसपास अगर हम बात करें तो मालदीव्स की बात करते हैं, तो ये पैसिफिक ओशन में मालदीव से भी काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स वाला एक देश है और बहुत ही सुंदर आइलैंड्स वहाँ पर हैं। काफ़ी मूवीज़ की, हॉलीवुड मूवीज़ की भी वहाँ पर शूटिंग हुई हुई है और हनीमूनर्स के लिए भी ये जगहें काफ़ी फेमस हैं। तो अगर आप वाकई में कोई ऐसी यूनिक जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं जहाँ पे वीज़ा की प्रॉब्लम ना हो, तो माइक्रोनेशिया मैं आपको सजेस्ट करूँगा। माइक्रोनेशिया के लिए वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है। 18, इक्वाडोर। इक्वाडोर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो पेरू और कोलंबिया के बीच में लोकेटेड है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में है और टूरिज़्म के लिहाज से बहुत पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टूरिस्ट इनफ्लो इंडिया से वहाँ पर जाता है। तो इंडियन सिटीजन्स को इक्वाडोर जाने के लिए वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। वीज़ा की ज़रूरत ना होने का मतलब है कि सीधा फ्लाइट पकड़िए, आप अराइव करिए, कोई वीज़ा ऑन अराइवल भी नहीं लगेगा, सिर्फ इमिग्रेशन की स्टैंप ही लगेंगी, दैट्स इट। 17, जमैका। जमैका एक कैरेबियन आइलैंड के समूह में एक आइलैंड है। आपने सुना होगा वर्ल्ड का जो सबसे फास्टेस्ट रनर है उसे इन बोल्ट, वो इसी कंट्री का है, जमैका का। तो जमैका एक बहुत ही सुंदर देश है, अमेरिका से बहुत लोग वहाँ पे अपनी हॉलीडेज़ में जाते हैं और इंडिया में भी ये धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर होना शुरू हो गया है। तो जमैका के अंदर इंडियन नेशनल्स के लिए कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी सीधा आप फ्लाइट पकड़ें, वहाँ पहुँचे और आपकी इमिग्रेशन स्टैम्प लगेगी, दैट्स इट। 16, इथियोपिया। इथियोपिया ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड एक डेवलपिंग कंट्री है, इसका नेबर है सोमालिया जो बहुत ही ट्रबलसम कंट्री है इस वक्त, जो वॉयलेंस से बुरी तरीके से जूझ रही है। तो इथियोपिया में टूरिज़्म के लिहाज से इंडिया से बहुत ज़्यादा टूरिज़्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियन ट्रैवलर्स हैं, चाहे वो थोड़े से ही हों, जो इथियोपिया को हर साल विज़िट करते हैं। अगर वहाँ पे हालात नॉर्मल होते हैं फ्यूचर में जाके, तो डेफिनेटली इस कंट्री में पोटेंशियल है और टूरिज़्म को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। 15, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो आपने काफ़ी सुना होगा वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के बारे में। बेसिकली त्रिनिदाद टोबैगो इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्ट इंडीज़। तो अगर आप वेस्ट इंडीज़ घूमना चाहते हैं तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो उसका पार्ट होता है और जमैका भी उसी का पार्ट होता है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, इंडियंस के लिए यहाँ पे वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा जाइए, ट्रैवल कीजिए, इमिग्रेशन लीजिए, दैट्स इट। त्रिनिदाद एंड टोबैगो टूरिज़्म के लिहाज से इंडिया में बहुत फेमस है, काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पे हर साल घूमने फिरने के लिए जाते हैं और नॉर्थ अमेरिका से भी वहाँ से टूरिस्ट इनफ्लो बहुत अच्छा है। वहाँ पे इंडियंस आपको बहुत अबेंडेंस में दिखेंगे, जो इंडियंस ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट होते थे वो वहाँ पे आपको काफ़ी अरसे से रहते हुए दिखेंगे, उनकी लैंग्वेज, उनके कस्टम वहाँ पे मर्ज हो चुके हैं और एक बहुत ही सुंदर और पिक्चर्स कंट्री है। अगर आप हमसे पूछें कि वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं, तो हम आपको डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे कि यह एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। नंबर 14, डोमिनिका। डोमिनिका एक करेबियन आइलैंड कंट्री है और करेबियन सी में इसकी लोकेशन है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में ये लोकेटेड है, जहाँ पे दूसरे करेबियन आइलैंड्स हैं जैसे वेस्ट इंडीज़ है, तो वहीं पर ये लोकेटेड है।
और काफ़ी ब्यूटीफुल लैंडस्केप है इसके, बहुत ही अच्छी बीचेस हैं इसकी। तो अगर आप कोई ऐसी डेस्टिनेशन देखना चाहते हैं जहाँ पे बहुत ही लिटरली वाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच आपको देखने को मिले, तो मैं आपको डोमिनिका डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा। इंडियन नेशनल्स के लिए वहाँ पर वीज़ा फ्री है, तो आप सीधे वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी फी। नंबर 13, आर्मेनिया। आर्मेनिया भी इंडियन सिटीजन्स में धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। टूरिस्ट इन्फ्लो जो आर्मेनिया का पहले था और उसको प्रेजेंट से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आर्मेनिया एक एशिया और यूरोप के बीच में लोकेटेड पेनिनसुला में है, लेकिन कल्चरली ये एशिया से ज़्यादा क्लोज है और ज्योग्राफिकली इसे यूरोप का पार्ट भी देखा गया है। आर्मेनिया अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, वहाँ पर ना ही ज़्यादा महंगाई है और ना ही बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर भीड़ वगैरह दिखेगी, और होटल्स वगैरह भी काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड हैं और फ़्लाइट्स भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं। आर्मेनिया इंडियन सिटीजन्स को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देता है, साथ में ई वीज़ा की भी इन्होंने फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस की हुई है। नंबर 12, फिजी। फिजी एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो न्यूजीलैंड के नॉर्थ में पड़ता है और माइक्रोनेशिया के साउथ में पड़ता है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखी जाए तो साउथ पैसिफिक ओशन के बिल्कुल वेस्टर्न टिप पे ये लोकेटेड है। फिजी में काफ़ी वॉयलेंस रहा है पीछे कुछ रिसेंट सालों में, लेकिन यहाँ पे बहुत ही फास्ट रिकवरी भी हुई है। ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन फिजी की इंडियन ओरिजिन पीपल से होती थी, लेकिन रिसेंटली वॉयलेंस वहाँ पे काफ़ी टाइम तक रहा, जिसकी वजह से काफ़ी इंडियंस जो है वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा माइग्रेट कर गए थे। लेकिन अभी 30% अप्रॉक्सीमेटली 30-35% की पॉपुलेशन अभी भी वहाँ पे इंडियन ओरिजिन है। आपको बहुत इजीली यहाँ फिजी में जाने के बाद बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप बाली में ही आए हों। बाली में भी काफ़ी आपको दिखेगा कि कल्चरली वो इंडिया से काफ़ी मिलता जुलता है। फिजी भी जब आप जाएंगे तो यही चीज़ आप वहाँ पर भी नोटिस करेंगे। तो अगर आप हमसे ये जानना चाहते हैं क्या अभी आप फिजी जा सकते हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल जा सकते हैं। और फिजी में जाने के लिए इंडियन नेशनल्स को वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप वहाँ पर सीधे जाइए और इमिग्रेशन की स्टैंप ले लीजिए। 11, कंबोडिया। कंबोडिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो इंडो चाइना पेनिनसुला में लोकेटेड है। बेसिकली ये जो कंट्री है कंबोडिया, ये जिस पेनिनसुला पे लोकेटेड है, इसे एक टाइम पे इंडो चाइना पेनिनसुला ऑफिशियली कहा जाता था, और आज भी इंडो चाइना पेनिनसुला के नाम से ये एरिया काफ़ी फेमस है। ये बेसिकली इंडो चाइना पेनिनसुला इसका नाम पड़ा, जो इंडिया और चाइना के बीच में एरिया है। कंबोडिया काफ़ी पॉपुलर है इंडियन टूरिस्ट में और एक काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ टूरिस्ट इनफ्लो है कंबोडिया के पास जो इंडिया से आता है। कंबोडिया इंडियन नेशनल्स को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप हमसे पूछे कि कंबोडिया जाना चाहिए या नहीं, तो हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि बिल्कुल जाइए, क्योंकि कंबोडिया में अंकोर वात नाम का बहुत ही बड़ा टेंपल कॉम्प्लेक्स है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा टेंपल कॉम्प्लेक्स है। वो 12th century में बनाया हुआ हिंदू बुद्धिस्ट टेंपल था और आज भी बहुत फेमस है। एंकोर वात में बहुत मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है और टूरिस्ट इनफ्लो जो कंबोडिया में जाता है वो 90% एंकोर वात के लिए ही जाता है। तो अगर आपने एंकोर वात नहीं देखा तो हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि कंबोडिया ज़रूर जाएं और एंकोर वात को भी ज़रूर विज़िट करें। नंबर 10, बोलीविया। तो बोलीविया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, काफ़ी बड़ा देश है ये, और स्पेनिश यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। हालांकि इंडियन टूरिस्ट में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में इंडिया में इसकी पॉपुलरिटी में इंक्रीज़ हुआ है और वहाँ पे इंडियन टूरिस्ट अराइवल्स होने लगे हैं। तो अगर आप साउथ अमेरिका जाना चाहते हैं, आपने बहुत सुना होगा ब्राज़ील के बारे में, कोलंबिया के बारे में, अर्जेंटीना के बारे में, तो अगर आप ऐसा कोई कल्चर देखना चाहते हैं और आप उस वीज़ा की प्रॉब्लम से भी, हैसल से भी दूर रहना चाहते हैं, तो बोलीविया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप जाके उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, इसका मतलब यहाँ पे कोई सी या बीचेस नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे लैंडस्केप बहुत सुंदर है। आप अगर जाना चाहें तो डेफिनेटली जा सकते हैं। बोलीविया में इंटरनेशनल्स को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी दी जाती है। नंबर 9, सेशेल्स। सेशेल्स इंडियन ओशन में लोकेटेड एक बहुत ही सुंदर आइलैंड्स का समूह है। इसकी लोकेशन नॉर्थ ऑफ मॉरिशस है, ये मॉरिशस से नॉर्थ में लोकेटेड है और रिसेंटली इंडिया में बहुत पॉपुलर भी हुआ है।
कुछ साल पहले ही सेशेल्स ने इंडिया के लिए टूरिज्म के दरवाजे अपने खोल दिए और सेशेल जाने के लिए आपको वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी आप सीधा वहाँ पर जाएं और इमिग्रेशन लें। इसे एक तरह से देखा जाए तो वीज़ा ऑन अराइवल भी हम लोग कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप सेशेल्स पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर इमिग्रेशन का प्रोसेस काफ़ी ईजी है, लेकिन फिर भी आपको जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हम लोगों ने पहले बताए हैं उसका थोड़ा सा फिर भी ध्यान रखना होगा। ये बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है हनीमूनर्स में और काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है अगर आप सी लवर हैं और बीच साइड लवर हैं तो। सेशेल्स में जाना चाहिए या नहीं अगर हम हमसे ये पूछेंगे तो हम तो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करेंगे कि ज़रूर जाएं। नंबर 8, जॉर्डन। जॉर्डन एक मिडल ईस्टर्न कंट्री है, इसके नेबर हैं जैसे लेबनान है, इसराइल है, ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। इतने ट्रबलसम नेबरहुड होने के बावजूद भी जॉर्डन एक काफ़ी पीसफुल कंट्री है और काफ़ी मॉडर्न कंट्री है। ये सुन के आपको हैरानी होगी कि जॉर्डन बहुत फेमस है अपनी नाइट लाइफ के लिए। तो अगर आप मिडल ईस्ट में जाना चाहते हैं और वीज़ा की हैसल से बचना चाहते हैं तो जॉर्डन उनमें से एक जगह आप कंसिडर कर सकते हैं। जॉर्डन इंटरनेशनल्स को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। नंबर 7, सर्बिया। सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है। यूक्रेन के साथ साथ सर्बिया ने भी वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल्स को देनी शुरू की थी, जिसमें यूक्रेन ने वो विड्रॉ कर ली है लेकिन सर्बिया में अभी भी अवेलेबल है। सर्बिया में वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब ये है कि आप सीधा यहाँ पे सर्बिया की टिकट्स बुक करा सकते हैं, आइटनरी बुक करा सकते हैं और वहाँ पर जाके वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इमिग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इस टॉपिक पे अलग से हमने वीडियो बनाई थी कि सर्बिया की इमिग्रेशन को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा और वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप यूरोप देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यूरोप की कोई ऐसी कंट्री हो जिसमें वीज़ा की कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो सर्बिया उनमें से एक है। नंबर 6, मालदीव्स। मालदीव्स साउथ ऑफ श्रीलंका में लोकेटेड है, इंडियन ओशन के बीचों बीच ये आइलैंड चेन बहुत ही पॉपुलर है इंडियन सिटीजन्स में। अगर बात करें इंडियंस कहाँ जाना पसंद करते हैं तो उनकी लिस्ट में मालदीव्स का नाम ज़रूर होता है। मालदीव्स बहुत फेमस है अपने छोटे छोटे आइलैंड्स के लिए और जाना जाता है अपने वाटर बंगलोज के लिए। तो अगर आप हमसे पूछें मालदीव जाना चाहिए या नहीं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे ये जगह थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन काफ़ी सुंदर है। मालदीव्स इंडियन सिटीजन्स को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। नंबर 5, हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग बहुत ही फेमस है इंडियंस में, हर कोई जाना चाहता है हांगकॉन्ग। वहाँ की ग्लिटरिंग बिल्डिंग्स को देखने चाहते हैं, वहाँ की नाइट लाइफ को देखना चाहते हैं, वहाँ पे डिज्नीलैंड को देखना चाहते हैं। तो बहुत फेमस है हांगकॉन्ग इंडियन सिटीजन्स में, एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, बहुत इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ पे ऑलरेडी सिटीजन्स भी हैं। अब हांगकॉन्ग ना ही वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देता है ना ही ई वीज़ा की कोई फैसिलिटी देता है, लेकिन हांगकॉन्ग जाने के लिए एक स्पेशल PAR इंडियन सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड किया गया है, जिसे कहा जाता है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। हांगकॉन्ग जाने से पहले आपको PAR अप्लाई करना होता है और उसके अप्रूव हो जाने के बाद आप इजीली हांगकॉन्ग जा सकते हैं। PR के लिए कुछ भी रिक्वायरमेंट खास नहीं होती है, आपके पासपोर्ट नंबर, फ्लाइट और टूरिज्म की डिटेल्स ही डालनी होती है, दैट्स इट। और हांगकॉन्ग एक काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन इसलिए भी है क्योंकि ये एक टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा भी था, जिसकी वजह से हांगकॉन्ग और इंडिया के बीच में ट्रेड काफ़ी टाइम तक बहुत अच्छा भी रहा है। तो अगर आप हमसे पूछेंगे कि हांगकॉन्ग जाना चाहिए या नहीं, तो हम आपको कहेंगे आप क्या सोच रहे हैं, डेफिनेटली जाइए, एक बार तो जाना बनता है। नंबर 4, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जिसका नाम भी इंडिया से प्रेरित है, यानी इंडिया इन एशिया, इंडिया ऑन द ईस्ट, वहाँ से इंडोनेशिया का नाम आया है। इंडोनेशिया इंडिया के बाहर सबसे क्लोजेस्ट कंट्री है इंडिया से, जो कल्चरली काफ़ी कनेक्टेड है। आज भी इंडोनेशिया के अंदर उनके पुराने मंदिरों के अंदर ये चीज़ साफ देखी जा सकती है कि भारतीय सभ्यता से इंडोनेशिया कितना ज़्यादा प्रभावित था। इंडोनेशिया के अंदर जो टूरिज़्म फ्रेंडली बहुत ही जगह है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर बाली है और काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म सुमात्रा में भी होता है। तो अगर आप हमसे पूछेंगे इंडोनेशिया जाना चाहिए या नहीं, तो हम डेफिनेटली आपको एडवाइस करेंगे कि ज़रूर जाइए, आप बहुत इन्जॉय करेंगे वहाँ पे। इंडोनेशिया इंडियन सिटीजन्स को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज़ देता है। नंबर 3, श्रीलंका। श्रीलंका हमेशा से ही इंडिया से कल्चरली काफ़ी लिंक्ड रहा है। श्रीलंका हमारे पुराणों में भी मेंशन हुआ है,
रावण का वहाँ पे एम्पायर होता था, हमने बहुत इस बारे में पढ़ा है, बहुत सुना भी है। और श्रीलंका जाने वाले टूरिस्ट हमेशा श्रीलंका की बहुत तारीफ़ करते हैं। तो श्रीलंका ना ही सिर्फ कल्चरली इंडिया से लिंक्ड है, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी भी बहुत फेमस है इंडिया में। इंडिया से जाने वाले सभी टूरिस्ट श्रीलंका की और वहाँ के लोगों की हमेशा तारीफ़ करते नज़र आएंगे। तो अगर आप हमसे जानेंगे श्रीलंका जाना चाहिए या नहीं, तो हम आपको डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे कि ज़रूर जाइए। वो जाने की जगह है, देखने की जगह है। और श्रीलंका इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल जैसा एक स्पेशल परमिट भी देता है, और ई वीज़ा की फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे इंडियन नेशनल्स के लिए अवेलेबल है, जो कि काफ़ी आसान है। नंबर टू, मॉरिशियस। मॉरिशियस इंडिया में फेमस तब हुआ जब वहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई। मॉरिशियस में 50% से भी ज़्यादा, यानी वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंडियन ओरिजिन है। वहाँ पर आप जाएंगे, आप देखेंगे हिंदी भी वहाँ पे काफ़ी समझी जाती है। और मॉरिशियस कल्चरली भी इंडिया से काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर का वो हिस्सा था जहाँ पर इंडियन माइग्रेंट्स बहुत लार्ज नंबर में गए थे। मॉरिशियस बहुत ही सुंदर आइलैंड है, इंडियन ओशन के ईस्ट में लोकेटेड और अफ्रीका के नज़दीक ये आइलैंड बहुत ही सुंदर है, और एक टाइम पर ये फ्रेंच कॉलोनी भी रह चुका है। तो मॉरिशियस आप ज़रूर जाएँ, हनीमूनर्स के लिए बहुत ही फेमस है। आप देखेंगे जब भी हनीमूनर्स अपने लिए कुछ प्लान करते हैं तो उनकी आइटनरी में मॉरिशियस का भी ऑप्शन डेफिनेटली आपको मिलेगा। मॉरिशियस इंडियन सिटीजन्स को वीज़ा फ्री एंट्री देता है वहाँ पर, यानी आप जाइए और सीधा इमिग्रेशन आपको क्लियर करना होता है, दैट्स इट। नंबर वन, थाईलैंड। आप देखें इंडिया में इनफैक्ट डोमेस्टिक टूरिज़्म से भी ज़्यादा फेमस थाईलैंड है। इंडियंस जब भी अपने बाहर एक्सप्लोर करने की सोचते हैं तो सबसे पहले ट्रिप में जिनका नाम आता है वो थाईलैंड होता है। थाईलैंड एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही अच्छा देश है। इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और थाईलैंड में भी आपको जगह जगह इंडियन रेस्टोरेंट दिखेंगे। वहाँ पे हिंदी के गाइड्स जो लोकल थाई पीपल होते हैं वो भी ईजिली हर जगह आपको अवेलेबल मिलेंगे। थाईलैंड बहुत ही पॉपुलर हुआ है जब उसने वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज़ इंडियन नेशनल्स को दी थी, और अब तो वो वीज़ा की फ़ीस भी नहीं ले रहा एज ऑफ नाउ। तो थाईलैंड तो वैसे भी काफ़ी पॉपुलर रहा है, अपनी ग्लैमरस जो नाइट लाइफ उसकी पटाया में है उसकी वजह से भी, और फुकेट और क्राबी की सुंदर बीचेस से भी। तो थाईलैंड एक कंप्लीट डेस्टिनेशन है, और अगर आप हमसे पूछें कि थाईलैंड जाना वर्थ वाइल है कि नहीं, तो हम आपको डेफिनेटली कहेंगे बिल्कुल वर्थ वाइल है, आप जाइए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। तो ये थे वो 20 देश जो हमें लगता है कि काफ़ी फेमस हैं इंडियन टूरिस्ट में। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो हमने आपको नहीं बताई हैं, जिसकी डिटेल्स हम फ्यूचर में आपको डेफिनेटली देने वाले हैं। अगर कोई क्वेश्चन कंसर्न हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कमेंट करें, आप हमें बताएं आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है, या कोई क्वेश्चन कंसर्न हो तो उसको भी आप मेंशन करें, हम उसको रिप्लाई करेंगे और डिटेल्स लेके आपके पास जल्दी हाजिर होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।